असल स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स विच आर द टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम को तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अ बॉडी विल बी इन Equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity. और यूनिफॉर्म स्पीड तो स्टूडेंट्स कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब या तो वो रेस्ट की हालत में हो या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में टू वर्ड्स हमने यूज किए हैं अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो स्टूडेंट्स अगर बॉडी रेस्ट की हालत में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो दोनों केसेस में बॉडी के अंदर मौजूद एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी जीरो तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो उसके अंदर मौजूद एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो चाहे वो एंगुलर एक्सलेशन हो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी जीरो इफ अ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स जैसा कि डेफिनेशन में हमने टू वर्ड्स यूज किए हैं रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो इन दोनों वर्ड्स के लिहाज से हम इक्विलिब्रियम को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं First type is students' static equilibrium, and students' the second type will be dynamic equilibrium. तो स्टूडेंट्स स्टेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेटिक इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो स्टूडेंट्स ये स्पीड लीनियर भी हो सकती है ये स्पीड एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में भी कंसीडर की जा सकती है तो स्टूडेंट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी देन द ऑब्जेक्ट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स कंसिडर करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में होगा तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल तो स्टूडेंट्स अगर यूनिफॉर्म स्पीड के लिहाज से एग्जाम्पल को डिफाइन किया जाए तो सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं अ कार मूविंग विद कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड तो स्टूडेंट्स ये थी इक्विलिबियम की एग्जाम्पल्स नाउ स्टूडेंट्स अब हम आज के मेन आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस स्टूडेंट्स अब हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की स्टेटमेंट को देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें कहती क्या है तो स्टूडेंट्स A body is said to be satisfied first condition of equilibrium if the resultant of all the forces acting on the body is equal to zero. So, we will statement. Likhenge. A body is said to satisfied. First condition of equilibrium if resultant. Of all the forces acting on the body is equal to zero. तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट हमें बता रही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट मींस सम इक्वल टू जीरो हो तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला को लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड सो ऑन तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड सो ऑन तो स्टूडेंट्स इन तमाम फोर्सेस का सम किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल तो so अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो स्टूडेंट्स जब भी हम सिमिलर वैल्यूज को बार बार ऐड करते हैं तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं सिग्मा समीशन तो स्टूडेंट्स फोर्सेस को इंडिविजुअली लिखने की बजाय हम लिखेंगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो एफ इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है बॉडी के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट उनका सम किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो स्टूडेंट्स दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव कोप्लेनर फोर्सेस जो कि किसी भी एक प्लेन पे एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्सेस हैं इन एक्स वाई प्लेन तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फॉर कोप्लेनर फोर्सेस तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने वर्ड कोप्लेनर यूज किया है सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए तो स्टूडेंट्स को का मीनिंग है सेम और प्लेनर का मतलब है प्लेन तो स्टूडेंट्स को प्लेनर फोर्सिस कौन सी फोर्सिस होती है द फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन जो कि एक ही प्लेन के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस का सम भी क्या होगा जीरो के इक्वल आएगा तो हम लिखेंगे एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स एंड और लास्ट पे स्टूडेंट्स क्या आएगा एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट्स इन तमाम फोर्सेस को बारी बारी लिखने की बजाय हम एक सिंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं समीशन और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है बॉडी के ऊपर एक्स डायरेक्शन की तरफ लगने वाली जितनी फोर्सेस हैं उनका सम भी किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक डील किया है नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को कंसीडर करें फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं एफ वन वाई देन एफ टू वाई देन एफ थ्री वाई और लास्ट पे स्टूडेंट्स एफ एन वाई तो स्टूडेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस का सम भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल और स्टूडेंट्स इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समीशन और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स दैट कि बॉडी के ऊपर वाई डायरेक्शन में लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट भी उनका सम भी किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल और स्टूडेंट्स जब भी हम फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस एंड वाई डायरेक्टेड फोर्सेस के लिहाज से डिस्कस करेंगे तो आपने एक कन्वेंशन याद रखनी है कन्वेंशन क्या है स्टूडेंट्स अगर हम एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस की बात करें तो एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस में जो राइट right साइड पे लगने वाली फोर्सेस होंगी जिनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और स्टूडेंट्स लेफ्ट डायरेक्टेड फोर्सेस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन टू राइट है दे विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव फोर्सेस, और ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन टू लेफ्ट है दे विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव फोर्सेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो स्टूडेंट्स ओरिजिन को अगर हम अपना बेस बनाए तो स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो हम लिख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस द अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया देन हमने उसके फॉर्मूला को देखा और देन हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ कोपलेनर फोर्सेस और स्टूडेंट्स अगर मैं लास्ट पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया था अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी हुई है तो स्टूडेंट्स इस बुक का वेट किस डायरेक्शन में होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस केस में बुक रेस्ट पोजीशन में होगी तो हम कह सकते हैं द बुक इज इन इक्विलिब्रियम तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस बुक के ऊपर इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन लग रही है तो स्टूडेंट्स देखिएगा अगर बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो टेबल का रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा तो स्टूडेंट्स अगर ये बुक बैलेंस कंडीशन में है तो हम लिख सकते हैं कि अपवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड वेट तो स्टूडेंट्स दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें समिशन एफ इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट्स इस बॉडी के ऊपर वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही हैं तो हम लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू तो स्टूडेंट्स कन्वेंशन के मुताबिक अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे दोनों का सम क्या आएगा जीरो के इक्वल तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों फोर्सिस का मैग्नीट्यूड इक्वल है डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम तो स्टूडेंट्स इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में इस बुक के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल है Zero के इक्वल तो हम कह सकते हैं इस बुक के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं इसको डिस्कस करने के बाद अब हम इक्विलिब्रियम की सेकेंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं विच इज क्वीलिब्रियम ऑफ टॉर्सिबरियम लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि अगर एक बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में ना हो और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पेश आती है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वी हैव अ रिजिड बॉडी तो so स्टूडेंट्स अगर इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैं टू फोर्सेस अप्लाई करता हूं विच आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन बट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये है फोर्स एफ वन और यह फोर्स एफ टू आप देख सकते हैं कि के इस केस में दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर अप्लाई की जा रही है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट तो हम कह सकते हैं क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो इस बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस रिजिड बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है इसीलिए ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि वी द सेम रिजिड बॉडी लेकिन स्टूडेंट्स अब की बार हम जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर रही फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स फोर्स एफ वन इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है और फोर्स एफ टू इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि क्या बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है ये yes, स्टूडेंट्स F1 और F2 अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और अगर ये कंसीडर किया जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो स्टूडेंट्स इस केस में भी इस रिजिड बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट्स लेट कंसीडर दिस इज द रिजिड बॉडी अगर इस मार्कर के ऊपर हम फोर्स एफ वन एंड एफ टू अप्लाई करें इसके टॉप और बॉटम एंड के ऊपर तो स्टूडेंट्स अगर मैं ऊपर वाली साइड पे फोर्स लगाऊं टू राइट और नीचे वाली साइड पे फोर्स लगाऊ टू वार्ड्स लेफ्ट तो स्टूडेंट्स क्या ये मार्कर इक्विलिब्रियम में होगा नहीं ये मार्कर रोटेट कर जाएगा क्योंकि इस मार्कर के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरल फोर्सेस थी जो कि एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही थी और दोनों की डायरेक्शन भी क्या थी ऑपोजिट तो स्टूडेंट्स टू अनलाइक पैरल फोर्सिस की वजह से इस मार्कर के अंदर टॉर्क यानी कि कपल जनरेट हो गया स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो स्टूडेंट्स देखिएगा एफ वन की डायरेक्शन है टू वर्ड्स राइट एफ टू की डायरेक्शन है टू लेफ्ट तो इन दोनों अनलाइक पैरल फोर्सेस की वजह से ये रिजिट बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस रिजिट के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन इसके बावजूद ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का सेटिस्फाई होना काफी नहीं है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ हमें एक और कंडीशन की भी जरूरत पेश आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स कहते हैं तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में इस रिजिड बॉडी के ऊपर एफ वन फोर्स और एफ टू फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को किस तरह से डिफाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाइड Second condition of equilibrium if the resultant of all the torques acting on the body is equal to zero तो स्टूडेंट्स ये थी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट जिसमें यह जरूरी है कि बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क्स हैं उनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में हो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ साथ इस बॉडी को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है जिसमें इन दोनों फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क्स का रिजल्टेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को डिस्कस करने के बाद अब हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला को देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फॉर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क्स तो रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट सिग्मा से समिशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो दिस इज द नोटेशन फॉर द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स टॉर्क्स के लिहाज से अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने टॉर्क के टॉपिक में डिस्कस किया था कि टॉर्क्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो स्टूडेंट्स कन्वेंशन के मुताबिक आपने याद रखना है क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव नाउ स्टूडेंट्स, इसी कन्वेंशन के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि ये रिजिट बॉडी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करे स्टूडेंट्स तो इन दोनों टॉर्क का रिजल्टेंट किसके इक्वल आना चाहिए जीरो के इक्वल इसका मतलब है स्टूडेंट्स अगर एक फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो सेकंड फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन भी ऑपोजिट होंगे तो जब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका रिजल्टेंट क्या आएगा जीरो के इक्वल तो स्टूडेंट्स अगर इस बॉडी के लिए रिजल्टेंट ऑफ ऑल टॉर्क्स की वैल्यू भी जीरो हो तो इस बॉडी के ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रम सेटिस्फाई होगी नाउ स्टूडेंट्स कन्वेंशन को डिस्कस करने के बाद अब हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं सीलिंग फ़ैन की जो छत पर पंखा लगा होता है उसके एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम फैन को ऑन करते हैं कुछ ही देर के बाद पंखे की स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि फ़ैन इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर विलोसिटी ना उसकी विलोसिटी कम हो रही है ना उसकी विलोसटी ज़्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि पंखा और सीलिंग फैन सेटिस्फाइड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज उस पंखे के ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क्स हैं क्लॉकवाइज वाइज टॉर्क्स एंटी क्लॉकवाइज वाइज टॉर्क्स उनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल है तो दैट फैन इज सेट टू बी सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक लैडर की एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज अ वर्टिकल वॉल और हमारे पास एक लैडर है जिसको हम सीढ़ी भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स देर आर टू पॉसिबिलिटी अगर हम अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करें तो ये लैडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जिसमें लेडर रेस्ट पोजीशन में है तो हम कह सकते हैं कि इस लैडर के ऊपर लगने वाले जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं उन दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो हम कह सकते हैं इस लैडर के ऊपर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिनको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सिस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स कहते हैं दोनों को डिस्कस करने के बाद अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि हम ये बता सकते हैं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी का कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है तो स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रही हो और स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो मीन्स दैट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सिस भी जीरो के इक्वल है रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क्स भी जीरो के इक्वल है तो हम कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स अगर फोर्सिस की बात करें तो समीशन एफ एक्स भी जीरो के इक्वल होना चाहिए और समीशन एफ वाई भी जीरो के इक्वल होना चाहिए तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है नाउ स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इक्विलिब्रियम की फर्दर टू टाइप्स को डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब ये कि स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो है तो हम कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे के सारे टॉर्क्स का सम जीरो है तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात याद रखिएगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही होगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम ए से शो करते हैं विल बी इक्वल टू जीरो और स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से शो करते हैं विल बी इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें लिखी हैं इनको आपने याद रखना है कि जब भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विब्रियम में होगी तो उसके अंदर लीनियर एक्सलेशन की वैल्यू जीरो होगी जब भी बॉडी रोटेशनल इक्ुडिब्रियम में होगी तो बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कंसीडर की जाएगी तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच इज़ आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉक्स को कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज